Mas estou a todo dia aí, sim, sabe? Por isso que eu estou aqui para uma do grupo com meu dosto. E 7 April को जो आलेर के पास इनकाउंटर हुआ है, जिसका नाम इनकाउंटर कर दिया गया है, वो 5 बिहार अहमद और उनके 4 साथियों का मैं, जिसमें से 3 का मैं वकील रह चुका हूँ। ये बिहार अहमद जो है 2010 में जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी, और उस वक्त उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि बिहार अहमद मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद जो पुलिस फायरिंग में कुछ मुसलमान नौजवानों की जो है शहीद हुए थे, उस पर हुकूमत ने किसी किस्म की जो है कार्रवाई नहीं की, इसलिए बिहार अहमद ने अपने साथियों के साथ कुछ पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया है, और ये इल्ज़ाम के साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 2 बड़े केसेस यानी मर्डर के बिहार अहमद और उनके साथियों पर हैदराबाद की अदालत 7 नंबर और 2 नंबर पर केसेस शुरू हुए। ये 2010 में बिहार अहमद अरेस्ट हुए और 2011 तक उनको चल्लापल्ली जेल में रखा गया, और 2011 में बिहार अहमद को और उनके साथियों को और उसके साथ साथ कई और मुसलमान बच्चे जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हैदराबाद की चल्लापल्ली जेल से वारंगल ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वारंगल जाने के बाद, क्योंकि बिहार अहमद का केस हैदराबाद में था, खासतौर पे 2 केसेस जो मर्डर के थे, उस केसेस की सुनवाई के लिए बिहार अहमद को और उनके साथियों को अक्सर जो है कोर्ट को वारंगल से लाया करते थे हर पेशी के दिन। तो जब भी बिहार अहमद आने लगे, कुछ दिन के बाद बिहार अहमद और उनके तकरीबन साथी कोर्ट से ये दरख्वास्त करें कि जो है हमको वारंगल से जब लाते हैं हैदराबाद, हमको इन पर शक आता है ये पुलिस वारंगल की, और ये एक वक्त उन पर अटेम्प्ट भी किए, मारने की कोशिश भी किए, और कोर्ट से दरख्वास्त किए कि हमको जो है हैदराबाद की किसी जेल, अगर हैदराबाद की जेल नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उस ज़माने के आंध्र प्रदेश के वैजाग या फिर जो है कड़पा, किसी भी जेल में हमको जो है ट्रांसफ़र करें, वारंगल से हमको हटा दें। और ये जब उनके वालदेन बिहारुद्दीन से मिलने गए थे वारंगल, तो बिहारुद्दीन ने अपने वालदेन के साथ भी यही जो है उनका जो डर था, उन पर जो अप्रिहेंशन था, वो उनके वालदेन को बताए। उसके बाद उनके वालिद चीफ जस्टिस ऑफ AP और चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन पे अपने एक दरख्वास्त दिए वो, और उस दरख्वास्त का एक्नॉलेजमेंट भी है, उसके बाद रिस्पॉन्स भी आया, लेकिन उस पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और अपनी दरख्वास्त में उनके वालिद बहुत ही सीधे अंदाज में लिख दिए हैं कि बिहार अहमद को इनकाउंटर होगा फ्यूचर में, और उनका मर्डर होगा और उसका इनकाउंटर का नाम दिया जाएगा। ये दरख्वास्त, उनकी दरख्वास्त में ये अल्फाज लिखे गए हैं, और उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और बाकी जो बच्चे थे दूसरे, उनको हैदराबाद वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया, कुछ को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और बिहारुद्दीन और उनके साथियों को वहीं पर वारंगल में रखा गया। और बिहारुद्दीन का जो है केस जो शुरू हुआ था वो तकरीबन ख़त्म पे आ गया था, खाली कुछ पुलिस वालों के स्टेटमेंट्स थे और 2 पंच विटनेसेस थे, और हो सकता है ये 3 या 4 पेशियों में ये जो है एविडेंस ख़त्म हो जाता था। तो इसी एविडेंस के सिलसिले में 6 तारीख के दिन यानी 6 अप्रैल को बिहारुद्दीन को कोर्ट में लाया गया, 7वें नंबर इजलास पे मैं मौजूद था वहाँ पर, और बिहारुद्दीन ने कोर्ट से पर्सनली जो है ये रिक्वेस्ट की है कि जो है मुझे जो है हैदराबाद ट्रांसफ़र कर दीजिए, और वो अपने हाथों की लिखी एक दरख्वास्त भी कोर्ट को जो है 6 अप्रैल को दिए। और दरख्वास्त लेने के बाद वो, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उन 1 दिन का टाइम मांगा, वो 7 को जो है उसकी पेशी रखी गई थी, और 7 के दिन सुबह बिहारुद्दीन को जब ला रहे थे वारंगल से, और जो है उसके रास्ते में आलेर के पास उनके जो है कत्ल कर दिया गया, फिर उसको जो है इनकाउंटर का नाम दिया, और 12:30 बजे के बाद से ये न्यूज़ अपने TV पे आने लगे। मैं और हमारे साथी जो टीम है वो पूरे जो है ये न्यूज़ को बड़ी गौर से, फोटोग्राफ्स को गौर से देखें, इसमें क्लियर दिख रहा है कि बिहारुद्दीन को जो है हथकड़ी लगी हुई है, वो भी सीधे हाथ को, और वो हथकड़ी को एक चेयर है, वो जाके जो है वो कुर्सी को, उनकी जो चेयर है वो चेयर को जो है लॉक की गई है। तो जो पुलिस का इल्ज़ाम है कि बिहारुद्दीन उस दिन पुलिस से गन छीनने की कोशिश किए थे, और अपने बचाव में पुलिस जो है उन पर अटैक की, और ये फोटोग्राफ देखने के बाद
ये कोई भी जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक आदमी जिसको हथकड़ी है और जिसको चेन लगी हुई है, जिसका सीधा हाथ जो है बंधा हुआ है, वो अपने बाएं हाथ से इतनी थोड़ी सी जगह से जो है और उतनी बड़ी गन कैसे छीन लेता है। तो ये पुलिस का जो है ये फर्जी बिल्कुल जो है एक इनकाउंटर के लिए कहानी बनाए हैं इनके ऊपर एक जो है अपने आप को बचा सके। और ये 7 तारीख के दिन इनका इनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो है उनके वालिद हमारे साथ हमारी एक टीम के साथ जो है पुलिस आलेर के पास गए। वो एक दरख्वास्त भी दिए कि जो है ये मेरे बच्चे को जो मारे हैं ये बिल्कुल एक मर्डर है और ये पुलिस की प्री प्लान जो है ये वर्क हुआ है, इसमें जो है पुलिस के हायर ऑफिशल्स भी इन्वॉल्व हैं और इस पर कार्रवाई की जाए। तो आलेर पुलिस ने उनके दरख्वास्त को लिया जरूर, लेकिन उस पर किसी किस्म का FIR नहीं किया। वो आलेर के जो SI है वो उस पर एक एंडोर्समेंट कर दिए, एक लकीर से लिख दिए कि जो है ऑलरेडी हम जो है 6 तारीख के दिन एक FIR बना दिए हैं। और वो FIR ये है कि जो है उस दिन 6 तारीख के दिन वो SI जो था उस गाड़ी में वो ये विखारुद्दीन पे इल्ज़ाम लगाया कि विखारुद्दीन हमसे जो है गन छीनने की कोशिश किया, इसलिए जो है हम एक FIR दर्ज कर दिए हैं। और वो FIR दर्ज जो है विखारुद्दीन और उनके 4 साथियों पे है, ना कि जो है पुलिस वालों पर। तो ये कानून में सेक्शन 154 वेरी बिल्कुल क्लियर कहा जाता है कि इसमें जब कभी भी एक संगीन इल्ज़ाम की शिकायत आती है पुलिस के पास तो पुलिस का काम है इसको जो है फौरी FIR बनाए। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है और जजमेंट्स कई हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ गया है कि जब भी कंप्लेंट आती है संगीन इल्ज़ाम की पुलिस का काम है FIR बनाना, मगर पुलिस आले ने आज तक कोई FIR नहीं बनाया। और ये अगर किसी वजह से एक एट ए टाइम दो इंसिडेंट्स भी होते हैं तो पुलिस का काम है केस और काउंटर केस बनाए, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म का केस नहीं बनाया। और इसमें एक जो जाकिर बल्कि जो लड़का था जो उसी दिन जो है उसका भी जो है कत्ल हुआ, वो लड़के का तो ये हाल था कि वो जो है चल्लापल्ली जेल में था, उसको 8 दिन पहले उसको जो है चल्लापल्ली से जो है चंचलगुड़ा ट्रांसफ़र किए, फिर 2 दिन पहले उसको जो है चंचलगुड़े से जो है वारंगल ट्रांसफ़र कर दिए क्योंकि वो विखार अहमद का साथी था। इनको ट्रांसफ़र करने की कोई वजह ना तो कोर्ट को बताई गई, ना उनके वकील यानी हमें दी गई, ना उनके खानदान को बताई गई। 1-2 दिन पहले उनको ट्रांसफ़र कर दिया और 7 तारीख के दिन जो है उनका भी जो है कत्ल कर दिए। तो ये टोटल जो है 5 बच्चों का जो कत्ल बता रहे हैं ये बिल्कुल जो है ये इनकाउंटर नहीं है, एक फर्जी इनकाउंटर है, ये कत्ल है। और इसके सिलसिले में जो है हम जो है हाईकोर्ट में अपीयर होने के लिए पिटीशन डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट के काफ़ी वकला से हम जो है उनसे बातचीत करे हैं और आज ये डिसाइड हो गया है कि कल इंशाल्लाह उनके विखार के वालिद की तरफ से हम एक दरख्वास्त रिट डालेंगे। और क्योंकि मुकदमा नहीं बना है FIR, हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे ना सिर्फ FIR बने बल्कि ये केस CBI को ट्रांसफ़र हो और इसकी तहकीकात CBI करे और जो जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं इसमें इन्वॉल्व उनके पूरों पर जो है एक्शन लिया जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह से ये उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त जो है हाईकोर्ट कबूल करेगा और जो है जो जुल्म करे हैं जो कातिल हैं उन पर इंशाल्लाह जो है केस चलेगा और उनको सज़ा होगी।